पीछे वाले लोग थोड़ा और आगे आ जाओ, तुम ठीक हो, पीछे वाले पीछे वाले। बस बस उसी लाइन से चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजम् वेदांताम्बुजमार्तंडम् तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्रं। अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं भारतृककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंशयात्
स्मर्तृणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूट जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए, सब दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परम आवश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है, और वेद का अर्थ गुरु है। गुरु और वेद के द्वारा भगवान का ज्ञान होता है, और वेद भी भगवान के सज्जनों वाणी है, इसलिए वो माता का स्वरूप बताई गई है। भगवान पिता है, भगवान की वाणी श्रुति भगवती वो माता है। ये सर्वश्रेष्ठ माता है, वेद माता सबसे बड़ी मानी जाती है, गीता माता सभी माताओं से बड़ी मानी जाती है, क्योंकि वो भगवान का ज्ञान कराती है, भगवान का दर्शन कराती है। और शास्त्र में सज्जनों पांच माताएं बताई गई हैं। अपनी अपनी जगह पर सभी माताओं की महिमा है। तो जैसे जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी वेद मातरः सुरभि यत्र विज्ञेयो पंचैते मातरा स्मृतः। प्रथम हमारे तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाली माता है, पहली माता यही जो हमारे शरीर को जन्म दिया है। कल इस जननी की अपनी माता की महिमा आपको बताया गया था। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता देवता है और पिता देवता है। तो पहले माता का नाम सज्जनों आता है, क्योंकि पिता से बड़ी माता को बताया गया है। पितुर दस गुणा मान्या, पितुर दस गुणा मान्या, पितुर दस गुणा गौरवे णातिरिच्यते, और मातुर दस गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुणा। शास्त्र कहता है पितुर दस गुणा माता गौरवे णातिरिच्यते, पिता से दस गुना दर्जा माता का आगे है, बड़ा है।
पितुर्दश गुणा मान्या गौरवेण, पितुर्दश गुणा माता गौरवेण आचरित, पिता से दस गुना माता का दर्जा बड़ा होता है। और मातुर दस गुणा मान्या भी माता धर्म भी ऋणा, और माता से भी दस गुना बड़ा दर्जा भी माता का होता है। जैसे कौशल्या अम्बा राम की माता थी, और जो केकई थी वो भी माता थी, वो दूसरी माता थी, छोटी माता। तीन माताएं थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कौशल्या जब दशरथ जी ने केकेयी के कहने से दशरथ जी को वरदान मांगा था, केकेयी ने दो वरदान मांगे थे, एक वरदान में मांगा 14 वर्ष का राम को वनवास, और दूसरे वर में ही मांगा था अपने पुत्र भरत को राज। ये दो वरदान सज्जनों मांगे थे। तो कौशल्या कहती है कि जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाहु जाने बड़ी माता। जो केवल पिता की आज्ञा है बन जाने के लिए, तो माता को 10 गुना दर्जा बड़ा बताया गया है पिता से। तो तुम वन में मत जाओ, क्योंकि माता बड़ी है, माता की आज्ञा से यहां ही रहो। और जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। जो पिता और माता ने भी कहा है, मैंने कई माता ने भी कहा है और पिता ने भी कहा है, तो मैं तुमको नहीं रोकती हूँ। तो तुम्हारे लिए जो कानन है बन है, उस 100 अवध के समान सुखदाई वन है। वन में जहां जहां जाओ तो अवध जैसा ही सुख पाओ, 100 गुना ज्यादा सुख मिले तुमको वन में, ऐसा कहा। तो सज्जनों, श्रुति भगवती भी कहती है कि माता का दर्जा आगे है, इसीलिए सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कहा जाए। लक्ष्मी माता है जगत की, विष्णु पिता है, तो पहले लक्ष्मी का नाम आता है। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण, प्रकृति पुरुष, माया ब्रह्म, पहले माता का नाम आता है, उसके बाद में पिता का नाम आता है। और श्रुति यही कहती है, मातृदेवो भो पितृदेवो भो, पहले माता को देव बताती है। इसलिए माता की सेवा देवता समझ के करना चाहिए। माता के आशीर्वाद से पिता सदा सुखी रहता है, पुत्र सदा सुखी रहता है सज्जन। इसलिए प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और राम यही करते हैं। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को राम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा काम जो माता पिता की आज्ञा हो वो करते हैं। आय सुमांग करें पुर का जा, देख चरित हर्षित मन राजा। आज्ञा मांग मांग करके राजकाज करते हैं, पिता माता सब हर्षित होते हैं देख करके। पुत्र हो तो ऐसा हो, आज्ञाकारी हो। तो सज्जनों, ये माता का दर्जा बताया गया, हमारी तुम्हारी एक शरीर को जन्म देने वाली सज्जनों। और दूसरी माता कौन है? जन्म भूमि
जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है वो ये पृथ्वी माता, ये भूमि माता, ये दूसरी माता है सज्जनों। किसी का हमारा तुम्हारा जन्म ये पृथ्वी में हुआ है, गांव हो या नगर हो या देश हो, ये सब पृथ्वी ही में तो है। गांव होगा तो ये धरती पृथ्वी में होगा, नगर शहर होगा तो पृथ्वी में ही बना होगा, और जो मकान होंगे वो भी पृथ्वी के ही बने हैं, माने माटी से सब मकान बने हैं। तो ये धरती माता जो है, ये हमारी तुम्हारी एक माता से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि माता तो हमको थोड़े दिन दूध पिलाती है और गोद में खिलाती, गोद में रखती है। फिर तो सज्जनों धरती माता की गोद में ही उतार देती है। धरती माता की गोद में हम लोग सोते हैं रात में, और धरती माता की गोद में ही जागते हैं, और धरती माता की गोद में ही खेलते हैं, और धरती माता का दिया हुआ गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, आम, अमरूद, अनार, अंगूर, साग, भाजी, फल, फूल, जीवन भर धरती माता का दिया हुआ ये सब खाते पीते हैं सज्जन। क्यों, माता तो थोड़े दिन दूध पिलाती है, जीवन भर तो नहीं। और ये धरती माता जीवन भर फल फूल अन्न साग सब्जी जीवन भर खाने पीने को देती, और हमारी एक शरीर की जो माता है वो तो केवल एक शरीर का, ये धरती माता तो सब शरीरों की माता है, संसार भर की माता है। सारे संसार के लोग धरती माता में ही सोते हैं और धरती माता में ही जागते हैं, और दिन भर धरती माता की ही गोद में खाते खेलते हैं, और इसी का दिया हुआ अन्न खाते पीते हैं, अन्न फल फूल साग सब्जी। ये सारे संसार की माता है। तो हमारी तुम्हारी माता से ये कहें अधिक बड़ी है सज्जनों, सबका पालन पोषण करती है। चाहे हम गांव में रहते हों और चाहे शहर में नगर में रहते हों और चाहे भारत देश में रहते हों सज्जन, ये देश तो पृथ्वी में है, सारे देश पृथ्वी में है, परंतु सज्जनों ये भारत देश की महिमा शास्त्रों में बहुत ज्यादा वर्णन की गई है। क्यों कि ये भारत देश धर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है, भक्ति और ज्ञान की भूमि है, ज्ञान प्रधान भूमि है, धर्म प्रधान भूमि है। और दूसरे देश जो है वो भी भूमि में है, वो धर्म प्रधान नहीं है, दूसरे देशों में धर्म नहीं है इतना, ज्ञान नहीं है इतना। तो धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ये भारत देश ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है सज्जनों। और सारे संसार के देशों में सज्जनों ये सुंदर भी बहुत है ये देश, तो विदेशी लोग यहाँ की सुंदरता देखने के लिए आया करते हैं। तो बाहर शरीर, जैसे हमारे शरीर में सबसे ऊंचा कौन है, सिर, सिर से ऊंचा तो कोई नहीं है। इसी प्रकार से सारी पृथ्वी में भारत देश से ऊंचा कोई नहीं है, ये भारत देश सब देशों से ऊपर है, ऊंचा है। और या जहां बैठे हो ये हिमालय पर्वत तो भारत देश की भी चोटी है, माने
भारत देश में भी ये सबसे ऊंचा माना जाता है हिमालय। तो आप लोग बहुत ऊंचे में बैठे हुए हो, पृथ्वी के सारी पृथ्वी से सबसे ऊंचे बैठे हो इस समय, और ये हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है। और ये जो गंगा बहती है यहाँ, गंगा माता, ये सभी नदियों में सबसे बड़ी माता मानी जाती है। और जो हमारा तुम्हारा शरीर है, नहीं, ये भी सब शरीरों से ऊंचा है, देवताओं से, दैत्यों से, गंधर्वों से, किन्नरों से सबसे ज्यादा ऊंचा ये शरीर माना जाता है, मनुष्य शरीर। सज्जनों, देवताओं से भी ऊंचा है। गायन्ति देवा किल गीतकानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरस्तात्। देवता लोग स्वर्ग में बैठे हुए इस भारत में जन्म लेने वाले लोगों की गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, ये धन्य है इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले। ये चाहे तो मनुष्य शरीर पाया है ना, तो ये देवताओं से भी ऊंचा है। ये चाहे तो स्वर्ग प्राप्त करें, और चाहे अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य शरीर से। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, कैवल्य को, मोक्ष को, जन्म मरण से छूटने को अपवर्ग भी कहा जाता है। और अपवर्ग का अर्थ एक एक अक्षर का भी शास्त्र में अलग अलग लिखा है। पवर्ग, अपवर्ग, पवर, पवर्ग, प से लेकर और जो वर्ग हैं, जैसे पा फा बा भा मा, पांच अक्षर हैं पवर्ग में। तो पांचों का अर्थ शास्त्र में अलग अलग बताया गया है। पा का, फा का, बा का, भा का, मा का अलग अलग अक्षर इस प्रकार बताया गया है। यतो नयस्मिन् पतनम फलासा, न बंधनम चापि भयम् न मृत्युः, पवर्गहीनम पदमीप्सितम वै ततो पवर्गा कथितम मुनीन्द्रैहि। पाका अर्थ किया है जिस पद को पा करके पतन नहीं होता है, जैसे भगवत पद को, ब्रह्म पद को जो पा लेता है उसका फिर पतन नहीं होता, वो गिरता नहीं फिर वहां से। और बाकी चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए, वहां से भी पतन होता है, वहां से भी गिर जाता है, माने जन्म मरण होता है, मुक्त नहीं हो सकता है। परंतु ब्रह्म को पा करके फिर पतन नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं। कोई राजा का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, इनसे भी गिर जाते हैं। परंतु भगवान को पा करके सज्जनों फिर नहीं गिरता है। तो मोक्ष का अर्थ बता रहे हैं जिस परमात्मा को पा करके पतन ना हो, फिर ना गिरे, जन्म मरण रूप संसार कूप में, संसार सागर में, दुख सागर में फिर ना गिरे, ये पा का अर्थ। और जिसको पा करके सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो कोई फल की फिर इच्छा नहीं रह जाती है, पूर्ण हो गया। अब क्या इच्छा करें जब सब कुछ मिल गया, अनंत सुख मिल गया, सुख का समुद्र मिल गया। अब सुख के लिए क्या इच्छा रहेगी जब सुख का समुद्र ही मिल गया। और ज्ञान का अनंत अखंड तेज मिल गया, भंडार मिल गया, तो ज्ञान की इच्छा भी पूरी हो गई। और मरने का भय रहता है तो अमरता प्राप्त हो गई, काल का भय गया,
तो सब सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण हुआ। इसलिए सज्जनों कोई अब फल कोई इच्छा न रही कुछ फल पाने की, पूर्ण हुआ। ये फा का अर्थ पा फा बा न बंधनम, जन्म मरण का बंधन ही खत्म हो गया, कोई बंधन नहीं रहा है ब्रह्म को पा करके, तो बंधन से मुक्त हुआ। बा का अर्थ बंधन नहीं है कोई भी, भा का अर्थ हो जहां कोई भय नहीं है, मृत्यु का काल का भी भय नहीं है, क्योंकि काल भी भगवान का तुच्छ नौकर है, सेवक है। सास वेद कहता है भयाद दस्याग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमो। भगवान के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है, इंद्र अपना अपना काम करता है, वायु चलता है और मृत्यु दौड़ा दौड़ा फिरता है। भगवान के भय से, तो जिसने भगवान को पा लिया है उसको किसका भय रहेगा, उसको मृत्यु क्या करेगा। इसलिए उसको मृत्यु नहीं आती सज्जनों, उसको भय नहीं किसी का। और मां माने मरण वहां है ही नहीं, भगवान भगवान को पाने से मरण नहीं होता है, न मृत्यु। ये पा फा बा भा मां का अर्थ किया, ये अपवर्ग है, जहां पवर्ग नहीं है, पा फा भा भा मां नहीं है, ऐसा मोक्ष है। तो देवता लोग इनकी प्रशंसा करते हैं भारत देश में उत्पन्न होने वाले लोगों की, ये चाहे तो स्वर्ग प्राप्त करें चाहे अपवर्ग मोक्ष प्राप्त कर लें, स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है इनको स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और सज्जनों इस धर्म भूमि, ज्ञान भूमि और भक्ति प्रधान भूमि में भारत में ही भगवान का अवतार हुआ है। राम का अवतार हुआ तो इसी देश में हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ तो इसी देश में सज्जन हुआ। यही देश है अयोध्यापुरी में भगवान राम का अवतार हुआ, और मथुरा वृंदावन ये भारत देश में ही है, गोकुल यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार सज्जनों हुआ। तो धर्म भूमि में ही सज्जनों भगवान के अवतार होते हैं। और जितनी गंगा आज उत्तम नदियां हैं और तीर्थ हैं सज्जनों, सो इसी देश में पाए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, और ये सब ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब तीर्थ हैं सज्जनों, ये भारत देश में ही पाए जाते हैं सज्जनों, परम पवित्र देश ये तीर्थ हैं सज्जनों, ये देवभूमि है। यहाँ तीर्थ में आकर के स्वभाव से ही मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं, कामादि विकार दूर हो जाते हैं सज्जनों इस भूमि में। तो ये संपूर्ण भूमि में ये भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे ऊंचा देश है ये। और शरीरों में मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और जितने ज्ञान हैं तो भगवान का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सज्जनों। और ये मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं, इसमें सब कुछ मिल सकता है, जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों
सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर भी हमको मिला है और सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि में जन्म हुआ है, जो देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं। और इस समय जहां बैठे हो तो ये भारत देश में भी सबसे ऊंची चोटी का देश है, ये हिमालय है जहां पर बैठे हो सज्जन, सर्वश्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों में संत महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इस देश में प्रायः संत महात्माओं का निवास है, कोई संत कुटियों में रहते हैं, सिद्ध संत हैं, ज्ञानी संत हैं, और कोई जो है गुफाओं में रहते हैं जिनका दर्शन जल्दी नहीं होता है, पर्वतों की गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ संतों का भी दर्शन यही हिमालय में होता है सज्जनों। तो उनके बड़े भाग्य हैं जिनको ये देश को दर्शन करने को, इस तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो भाग्यशाली है। आप लोग भाग्यशाली हो जो इस तीर्थ में आकर के और संत महात्मा और सत्संग में, ये वेदांत का सत्संग, गीता उपनिषदों का सत्संग सबसे ऊंचा सत्संग माना जाता है सज्जनों, क्योंकि ये साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है गीता। ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, अब इनसे ज्यादा ऊंचा उपदेश कौन दे सकेगा। तो यहाँ गीता और उपनिषदों का सार गीता है, सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सब उपनिषदे गौएं हैं और गौओं का, उपनिषदों का सार दोहन करने वाले गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं और पार्थ बछड़ा है, और गीता ज्ञान रूपी दूध को पीने वाले कौन हैं, शुद्ध बुद्धि वाले भक्तजन। भक्तजन इस दूध का पान करते हैं और ये दूध कैसा है, गीता दुग्ध अमृतम महत, ये महान अमृत है सज्जनों, गीता रूपी दूध ज्ञान। माने इस ज्ञान रूपी अमृत, ये अमृत पीने से सचमुच में अमर हो जाता है। शास्त्रों में और भी अमृत सुने गए हैं सज्जनों, परंतु नाम मात्र के अमृत हैं। जैसे पुराणों में सुनने में आता है अमृत की बात, अबधौ विधौ बधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसति नो भगवत विबुधा बदन्ति, क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतित्वात् कंठे सुधा बसति सा भगवत जनानाम। अबधव पुराणों में लिखा है कि अबधव माने समुद्र में अमृत है, क्योंकि समुद्र मंथन किया गया था, देवता और दैत्यों ने मिल करके मंथन किया था, तो उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें ये अमृत भी निकला था जिसके लिए देवता और दैत्य दोनों लड़ाई झगड़ा करते थे। अबधव विधव शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा में अमृत है। अबधव विधव बधमुखे, और जो कांताओं के प्रेमी हैं, अपनी अपनी पत्नियों की ज्यादा प्रेमी हैं, वो कहते हैं कि हमारी कांता के चंद्रमुख में अमृत है। अबधव विधव बधमुखे फणिनाम निवासे, कोई कहते हैं कि
पाताल में बासुकी नाग के यहाँ अमृत का कुंड है, फणिनाम निवासे, माने पाताल में नाग लोक में बासुकी नाग के यहाँ अमृत का कुंड है। जब दुष्ट दुर्योधन ने भीमसेन को खीर में विष दे करके और बहा दिया था गंगा जी में, कोई देख नहीं पाया था, तो वो बहता 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 नागलोक में चला गया था, पाताल में चला गया था। तो वहां सर्पों ने इसको डसा, तो जो वो विष दिया था इसने, शकुनी ने विष दिया था दुर्योधन का जो मामा था, तो वो विष उतर गया सर्पों के काटने से, उस विष सर्पों के विष से ये विष उतर गया, तो ये होश में आ गया, बेहोश था होश में आ गया। तो इससे पूछा बासुकी नाग ने, पूछा जो बासुकी नाग सर्पों का राजा है, उसने पूछा कि तुम किसके लड़के हो, तो इसने बताया कि मैं कुंती माता का, मेरी माता कुंती है, कुंती का लड़का हूं और मेरे पिता का नाम पांडु था। तो इनका कोई नाता रिश्ता लगता था, तो उसने कहा भाई हम तुम्हारे मामा लगते हैं, तुम्हारी जो माता है वो हमारी बहन है, तो तुम हमारे भांजा भाई, तो हम तुमको अमृत पिलाते हैं। एक कटोरा अमृत पीने को दिया और कहा अब तुमको संसार में कोई जीत नहीं सकेगा, 10,000 हाथी का बल तुमको हो गया, कोई नहीं जीत सकेगा संसार में तुमको, अब तुम रहो कुछ दिन अपने घर में ही हो, अपने ननिहाल में हो, मामा के यहां हो, आनंद से रहो, कोई डर नहीं। तो भीम ने कहा हमारे सब भाई और माता जी चिंता में होंगी कि भीम कहाँ गया, वो ढूंढ रहे थे चारों तरफ कि सबको ही आ गया, भीम नहीं आया। और भीम को इन्होंने अकेले में वो खीर खिला करके और विष दे करके मार के गंगा में बहा दिया, तो वो कहाँ से मिले, तो वो ढूंढ ही रहे थे चारों तरफ, ये इधर से पहुंच गया। पूछा माता ने, पूछा भाइयों ने, पूछा तुम कहाँ चले गए थे, हम कब से ढूंढ रहे हैं तुमको। इसने बताया कि दुर्योधन ने, शकुनी ने हमको विष दे करके खीर में हमको खिला पिला दिया था, तो हम मर गए थे, ये समुद्र में हम गंगा जी में फेंक दिया था हमको, हम बहते बहते समुद्र में और वो नागलोक में पहुंच गए। तो उन्होंने नागलोक वासियों ने बताया कि वो तो हमारी बहन है कुंती माता, तुम हमारे भांजे हो, अपने घर में ननिहाल में हो, इसलिए फिर उन्होंने अमृत पिलाया हमको और कहा अब 10,000 हाथी का बल तुमको हो गया, तुमको संसार में कोई नहीं जीत सकेगा। तो दुष्टों ने तो विष देकर के मार डाला था, परंतु भाग्य की बात है वो हमको अमृत पीने को मिल गया, वो अपने ननिहाल में पहुंच गए हम, ये भाग्य की बात है। तो सज्जनों, तो हम क्या बता रहे थे, धरती माँ, ये धरती माता जो है ये सबकी माता है सज्जनों, सबसे ऊंचा ये देश है, ऐसे देश में सज्जनों हम बैठे हुए हैं और यहाँ संत महात्माओं का निवास है, इनका ज्ञान सुनने से अवश्य ही, हाँ गीता माता की बात बता रहे थे,
तो गीता माता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। ये गीता रूपी जो दूध है ये महान अमृत है, माने बड़ा अमृत है। और जो अमृत हैं उनका नाम केवल अमृत है सज्जनों, उनसे अमर नहीं होता सज्जनों। तो वही बता रहे थे कहाँ कहाँ अमृत पाया जाता है। अबधौ विधौ बधमुखे फणिनाम निवासे, फणिनाम माने नागलोक में अमृत है। स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा बदंती, और विबुधा माने देवता लोग, देवता लोग कहते हैं स्वर्ग में हमारे यहाँ अमृत है। इतनी जगह अमृत शास्त्रों में वर्णन आता है, परंतु इनमें सब में दोष बताते हैं। क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतित्वात्, समझो दोष बताते हैं। क्या बताते हैं? अबधौ, यदि समुद्र में अमृत होता समुद्र का जल खारा नहीं होता, जो समुद्र का जल पीता वो अमर हो जाता। यदि सचमुच में समुद्र में अमृत होता तो, परंतु समुद्र का जल पीने से तो लोग मर जाते हैं, उसमें नमक है, खारा है, आंतें कट जाती हैं, मुख से बमन होने लगता है। इसलिए समुद्र में अमृत नहीं है। क्षयात्, यदि चंद्रमा में अमृत होता तो घटे बढ़े क्यों होवे नाश, क्योंकि चंद्रमा घटता भी है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता भी है और कृष्ण पक्ष में घटता भी है, और परिवा अमावस को तो पता भी नहीं लगता कि है कि नहीं है। चंद्र में अमृत होता तो ये नाश नहीं होता, इसका ये अमर होना चाहिए। यदि पत्नी के चंद्रमुख में अमृत होता तो उनके पतियों को नहीं मरना चाहिए कि वो तो रोज पान करते हैं, अमर हो जाना चाहिए। गरलात, यदि नाग लोक में अमृत होता तो जितने भी नाग हैं सर्प हैं उनके मुख में जहर नहीं होना चाहिए था। हर नाग के सर्पों के मुख में तो जहर होता है और जिसको काटते हैं वो मर जाता है। और यदि अमृत होता तो सांप जो है अमर हो जाते और जिसको काटते वो भी अमर हो जाता। इसलिए नाम मात्र का अमृत है। और यदि देवताओं के यहाँ अमृत होता स्वर्ग में तो उनका पतन नहीं होता। क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति, जहाँ पूर्ण क्षीण हो गया तो वहां से गिरा दिए जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए ये जो अमृत है ये नाम मात्र का अमृत है। और जो गीता रूपी ज्ञान रूपी अमृत दूध है ये अमृत है, कहा ये सच्चा अमृत। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत को पीने से फिर वो मरता नहीं कभी, भगवत रूप सच्चेत आनंद ब्रह्म रूप हो जाता है सज्जनों। इसलिए कंठे सुधा बसत सा भगवत जनाना, वो जो सुधा है सच्चा सुधा माने अमृत है, वो जो गीता की कथा करते हैं, उपनिषदों की कथा सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उनके कंठ में माने संत महात्मा ज्ञानी महापुरुषों के कंठ में ही वाणी में अमृत, उस अमृत को पीने से सचमुच में अमर हो जाता है, ये सच्चा अमृत। तो सज्जनों वो अमृत आप लोगों को पीने के लिए मिल रहा है यहाँ। तो सबसे ऊंचा देश, सबसे ऊंचा तीर्थ, सबसे ऊंची भूमि,
सबसे ऊंचा ये मनुष्य शरीर, सबसे ऊंचा गीता उपनिषदों का ज्ञान है, ये मिल रहा है तो ये तो बड़े भाग्य की ही बात है। कोई बिरले लोगों को, बिरले लोग हैं जो इस जिसका भाग्य ऐसा जागा हो, ऐसा देश मिले, ऐसी कथा सत्संग सुनने को मिले, दुर्लभ है। तो वो तुमको प्राप्त हुआ है। तो ये धरती माता है सज्जनों, ये संसार में हमारी एक माता से अनंत गुना बड़ी है, क्योंकि सब जीव जंतु धरती माता की गोद में रहते हैं। धरती माता का दिया हुआ अन्न खाते पीते हैं, धरती माता में बह रही हैं जो गंगा जमुना आदि इनका जल पीते हैं, माने पूरा जीवन धरती माता से है। अन्न भी, जल भी, फल फूल भी, साथ फाजी भी, और जीवन भरो सबको। इस धरती माता की महिमा कितनी बड़ी है, और धरती माता में भी ये भारत भूमि, ये तो धर्म भूमि, भगवान के अवतार यहीं, सब तीर्थ यहीं, गंगा आदि नदियां यहीं, ऐसी जगह पर हमारे लोगों का जन्म हुआ है, हमारे लोगों के अहो भाग्य। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।